हेलो, हाय सर, हाय। आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, मैं हम वहीं से बोल रहे हैं, और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें दो कॉलर सिलेक्टेड हैं, एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन हैं आपके लिए और आप भी अननोन हैं उनके लिए। तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं, अगर आप इसमें ज्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपए का, लाइक 14,000 रुपीज का रिचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं। और वो जो दूसरे हैं सज्जन, वो फोन लाइन में मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं उनसे। वन सेकेंड, अब मैं काम करता हूँ, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको, एंड मिस्टर ए आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली ये गेम होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? ओके, मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है, आप ये बताइए कि मिस्टर बी, जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका एक पॉइंट हो गया। बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए, जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ जरूर कराएंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे, आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, I don't know, आप क्या पूछ, मैं यही पूछ रहा हूँ जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं? मिस्टर ए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। मिस्टर बी, नहीं यार, मतलब पागल हो गए? पागल मैं नहीं हो गया हूँ, मैं लोगों का पागलपन ठीक करना चाह रहा हूँ। मिस्टर ए यानी के वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूँ। वसीम अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे है, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। अनुज ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खुल के बताता हूँ कि ये गेम क्या है, हमारी जिंदगी को खेल बना दिया और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम, फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम, इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं, कैसे हो गए यार हम? हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे, हम में हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान भी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ही अंदाजा नहीं है जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए, इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं, सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूं ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हो गई। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शुक्रिया।